पोटेंशियल स्टेप हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। पोटेंशियल स्टेप कैसे बना, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वी एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने ये पोटेंशियल दिया जिसकी स्टेप वैल्यू क्या है, वी नॉट है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे डांस करता है लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे एम्पलीट्यूड में गिर गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसे हम लोग टनलिंग कहेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया, फिर से रिविजन कर दे रहे हैं एक बार। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है टनलिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, टनलिंग इज पॉसिबल एंड रियली इट्स है। अब हमारे पास दो केस हुए, एक तो मैंने ये ड्रॉ किया तुम्हारा, ये हमने ड्रॉ किया पोटेंशियल के हिसाब से, लेकिन अगर मैंने पार्टिकल को सोचो, ये ऊपर वाली एनर्जी जी जो कि वी नॉट से ज्यादा बड़ी है, तो क्या होगा, पार्टिकल इंसिडेंट होगा, पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा और पार्टिकल ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये उसके तीन डिफरेंट सॉल्यूशन बनेंगे साई के, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ कि मैंने पार्टिकल को जो एनर्जी दी है वो उसके वी नॉट से कम है, तो पार्टिकल क्या करेगा, जाएगा और आएगा। मीन्स पार्टिकल क्या करेगा, साई की इंसिडेंट आएगी और क्या आएगा, साई का रिफ्लेक्शन आएगा। ओके, साई का रिफ्लेक्शन। ओके, इज दिस क्लियर, टेल मी इट इज ओके, राइट। देखो बहुत सारे डायग्राम बनते हैं बेटा तुम लोग के इसमें क्या कहते हैं, एग्जाम में हो सकता है तुमको ये बोला जाए कि डायग्राम कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, बट ट्राई टू ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम्स, इसी को डायग्राम कहते हैं, ठीक है। एक डायग्राम होता है साई स्क्वायर का, साई स्क्वायर क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलू किसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पार्टिकल जो तुम्हारा पोटेंशियल स्टेप को क्रॉस कर रहा है उसकी पोटेंशियल डेंसिटी, तो फर्स्ट केस कब था, फर्स्ट केस मिला था कि ई जो है ग्रेटर देन वी नॉट है, जिसमें हमें क्या मिल रहा था, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेंस सारी चीजें मिल रही थी, क्योंकि पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो वी नॉट से ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है अपना डांस करते करते आया और फिर वो भीतर जाके ऐसे चला गया, क्यों, क्योंकि वहां पे तो उसका ट्रांसमिटेंस हो गया, क्यों ट्रांसमिटेंस हुआ पता चल गया ना, क्यों इसके ग्राफ ऐसे बनी पता चला, क्योंकि उसके पास तो भैया हाई एनर्जी है, उसको क्या दिक्कत है, उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, देखो इस केस में हमारी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या है, वो हमारी उससे कम है, तो इसके लिए क्या करेगा पार्टिकल, पार्टिकल तो बड़ा डांस करते करते यहां पर आएगा, चलो हम यहां से डांस करते करते चले, लेकिन जैसे ही वो बैरियर को क्रॉस करे, भाई मेरे को तो बहुत सारे पोटेंशियल फील हो रहा है, इसलिए मेरी जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी फंडा को इस्तेमाल करके अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ याद हो गया ना, ये ग्राफ तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रखो, इसे हम लोग कौन सा प्रॉब्लम कहते हैं, इसे हम लोग पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का जो पोटेंशियल, देखो मैंने पहले भी बोला था कि पहले हम लोग पोटेंशियल फंक्शन तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, वी जो होगा दो चीज पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल कब इसका जीरो होगा, पोटेंशियल इसका जीरो कब होगा, जब वो एक्स जो है स्मॉलर देन जीरो है, एक्स जो है ये जीरो की वैल्यू है, ठीक है। तो स्मॉलर देन जीरो पर क्या है, पोटेंशियल यहाँ पर जीरो पोटेंशियल फील कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा, एक्स को जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्रॉस करेगा, उसको कौन सा पोटेंशियल फील होने लगेगा, वी नॉट पोटेंशियल। ये क्लियर है, दिस इज क्लियर, सो आई एम चेंजिंग द पेज। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, इतना सारी चीजें हो गई, अब चलो अपने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पे। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के पास हमारे पास क्या है, पहला केस, केस वन, जहां पर हमने बोला कि पार्टिकल की दो तरह की एनर्जी है, पार्टिकल की दो तरह की एनर्जी है। अगर मैं ये कह दूं कि E इज ग्रेटर देन V नॉट और E इज स्मॉलर देन वी नॉट, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ केस, एक्स क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर वो पोटेंशियल वी नॉट फेस करेगा, और एक्स लेस देन जीरो जहां पर वो जीरो पोटेंशियल जो है वो जीरो फेस करेगा,
तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, एच टू बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, ई ऑफ साई ऑफ एक्स, ठीक है ये है। तो जब हम लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अच्छा इसमें एक बार k1 और k2 दो चीजें हम लोग को एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि d2 टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा एज ए रहने दो, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो कब है, पोटेंशियल जीरो कब है, जब x इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेस देन जीरो बता तो ये पूरा कट जाएगा और बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, देखो यहां से सारी चीजें जब इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा e माइनस वी साई ऑफ x, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहां पर और ये नीचे ऊपर है तो ये 2m बाई एच कट स्क्वायर होगा कि नहीं बता, दिस इज पॉसिबल राइट, इसको ना पॉसिबल होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर सोचो मैंने यहाँ पे दो केसेस अप्लाई किए, मैंने यहाँ पे कौन से केसेस है, ये जो e माइनस वी है ये कब पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी इसकी, देखो हाँ, और देखो हम ये भी कह सकते हैं कि डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी साई ऑफ एक्स इंटू टू एम बाई एच कट स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक है। इसको भी पहले मिटा देते हैं, अभी ये कंडीशन नहीं लेना है, ठीक है, ये हो सकता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब मैंने कहा यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो गई, एक तो ये k1 हम लेंगे, k1 स्क्वायर लेंगे जहां पे मैंने कहा होंगे कि 2m by h कट स्क्वायर और e माइनस वी है, ठीक है। ये कब लेंगे, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और देखो ये पोटेंशियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कब होगा, जब x लेस देन जीरो। तो हम k2 वाला केस लेंगे जहां पे 2m e by h कट स्क्वायर, क्योंकि b तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये कब होगा, x इज लेस देन जीरो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस क्या बने, d2 टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर बना ना, यहाँ पे साई इज इक्वल टू जीरो बना, बन गया। ये कब के लिए बना, ये कब के लिए बना, k1 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और दूसरा क्या बनेगा, d2 टू साई डी एक्स स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ये कब के लिए बना, लेस देन जीरो के लिए बना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको सॉल्व करने में। अब देखो इसको हम लोग एक, ये तुम्हारा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना, दोनों डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ई वाले पावर में आता है, देखो अभी हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट ही पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट ही देख रहे हैं। सो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, एक बार साई वन ऑफ एक्स बनेगा, वो क्या बनेगा, ए ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो मुझे, बनेगा ना, बनेगा ना। लेकिन देखो इस वेव में दो चीजें हैं, ये बेटा कह रहा है इंसिडेंट, मैंने देखो तुमको कल भी बोल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, तो ये किसके लिए होगा वेव, पूरा प्लेन वेव इंसिडेंट के लिए होगा, ये पूरा प्लेन वेव किसके लिए होगा, रिफ्लेक्शन के लिए होगा, ठीक है, ये पूरा प्लेन वेव रिफ्लेक्शन के लिए होगा। इसके बाद हम एक और बोल रहे हैं, दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, साई टू ऑफ एक्स के लिए बनेगा, और वो क्या बनेगा, वो इसके लिए बनेगा, ये फ्री पार्टिकल के लिए बनेगा कि नहीं, देखो फ्री पार्टिकल के लिए बनेगा, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल फील कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, हमें दो सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, सी ई टू द पावर आई के टू एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आई के टू एक्स, लेकिन क्या इसकी कोई भी मायने है, पार्टिकल तो फ्रीली दूसरे में चला गया, क्या इसके कोई मायने है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो ये कोई वैल्यू नहीं देगा, सिंस पार्टिकल इज गॉन, ठीक है। और ये किसके लिए देगा, ये ट्रांसमिशन के लिए देगा, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। और ये किसके लिए बना है, ये बना है x लेस देन
जीरो के लिए, आई एम चेंजिंग द पेज, ओके। अब देखो हमारे पास फाइनली क्या क्या बना, फाइनली वी गॉट, फाइनली वी गॉट द साई इक्वेशंस फॉर ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, क्या क्या बना, साई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस वी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स एंड psi 2 of x is equal to c e to the power i k 2 of x, क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो अगर कभी कोई किसी ने कह दिया, अगर कभी कोई किसी ने कह दिया कि भाई मुझे तो तुम ये हमारे कौन से हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी ने कह दिया कि मुझे टाइम डिपेंडेंट बता, तो देखो बेटा टाइम डिपेंडेंट क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट अगर तुम्हारा x और t का फंक्शन है तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन जो होगा वो e टू द पावर माइनस आई ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई ओमेगा t हो जाएगा, ये तुम्हारा जो इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इसी को बोलूं तो क्या हो जाएगा, इसमें सबका मल्टीप्लाई कर दो e to power minus i omega t से, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन चीज मैं बताऊंगी वो है बेटा तुम्हारा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशियंट को कैलकुलेट करना, क्या रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट कैलकुलेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो अभी जो मैं दो तीन दिन से क्लास ले रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि वो क्वेश्चंस में ही पूछते ही हैं, ठीक है, ओके। सो देखो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग इसकी जो करंट डेंसिटी होती है बेटा, करंट डेंसिटी जो होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग वैल्यूज को रेशियो निकालते हैं। तो देखो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, जे, जे इज योर, जे इज योर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, जे जब करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एक का हम लेंगे और दूसरे का उसका डिवाइड करेंगे उसके डेरिवेटिव से, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम साई ले रहे हैं, ठीक है, साई सोच लो मैंने इंसिडेंट के लिए ले लिया, ये मैं इंसिडेंट के लिए ले रही हूँ, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन के लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा, सोचो अगर मैं साई आई ले रही हूँ जो कि एक्स का फंक्शन है और उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी, साई आई के कॉन्जुगेट के डेरिवेटिव से, साई आई के कॉन्जुगेट के डेरिवेटिव से माइनस कर दूंगी साई आई का कॉन्जुगेट और फिर साई आई बाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है आई एच कट बाई टू एफ, आई एच कट बाई टू एफ, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये एक इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद करना, जरूरी नहीं कि साई इंसिडेंट के साथ ही हो, यहाँ पे हम कोई भी साई लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग इंसिडेंट पढ़ रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ओके। सो अगर कभी कोई बोले कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा तुम्हारा क्या, बताओ कोई बता सकता है, कभी पढ़ा है इसको, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय, देखो हमेशा एक स्टैंडर्ड से डिवाइड करते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सारी चीजें लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन को करंट डेंसिटी होगा और स्टैंडर्डाइज जो जिसे हम कंपेयर करते हैं वो इंसिडेंट से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ठीक है, इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब ये लेंगे मॉड वैल्यू, लेकिन लेंगे कौन सी वैल्यू, मॉड वैल्यू,
तो सिमिलरली अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशियंट देखूं तो ये क्या हो जाएगा, जे आर अपॉन जे आई हो जाएगा ना, जे आर अपॉन जे आई। और ये जे आर और जे आई हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं ना। आई एम चेंजिंग द पेज, ओके। कैसे निकाल सकते हैं, जे आई तो मैंने बता दिया कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरह हम लोग जे आर भी निकाल सकते हैं। जे आर कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग क्या लेंगे, साई आर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डी साई आर बाई डी एक्स माइनस माइनस, अगर इसको ऐसे कर रहे हो तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो पीछे वाला जो फॉर्मूला है वो अलग लिखा था, तो यहाँ पे ये कर दो माइनस साई आर का कॉन्जुगेट डी साई बाई डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, एच आई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे आर हैं, आर में तुम्हारा क्या आया था, बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, यही तुम्हारा साई ऑफ आर था, याद करो, ठीक है। तो दिस इम्प्लॉयज दैट इस साई ऑफ आर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बी ई टू द पावर आई के वन एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो साई आर डी साई आर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बी ई टू द पावर आई के वन एक्स इंटू आई के वन हो जाएगा ना। सिमिलरली इसका क्या होगा, डी साई आर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स इंटू माइनस आई के वन हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो ये सारी चीजें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जे रिफ्लेक्टेड क्या आ जाएगा, जे रिफ्लेक्टेड आ जाएगा तुम्हारा माइनस एच कट के वन अपॉन एम और बी का मॉड स्क्वायर। देखो यही आएगा क्योंकि मॉड यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा ना इन दोनों के वजह से, ठीक है। सिमिलरली जे ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन वेव क्या थी हमारे पास, ट्रांसमिशन वेव थी सी ई टू द पावर आई के टू एक्स, दिस इम्प्लॉयज इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ई टू द पावर सी ई टू द पावर माइनस आई के टू एक्स हो जाएगा ना। तो इसका डी साई टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सी ई टू द पावर आई के टू एक्स इंटू आई के टू, और इसका क्या हो जाएगा, डी साई ऑफ टी कॉन्जुगेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस आई के टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, माइनस आई के टू होगा कि नहीं, बताओ। ऑल दिस थिंग्स आर स्टफ्स। तो इसका जब हम जे टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जे टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एच कट के टू बाई एम और मॉड ऑफ सी स्क्वायर। यस और नो टेल मी, दिस इज पॉसिबल राइट, दिस इज पॉसिबल। और हम ऐसे ही अगर जे आई को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एच कट के वन अपॉन एम और यहाँ पे इसका मॉड ए का स्क्वायर। टेल मी, इतना कोई प्रॉब्लम है, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम, नो राइट। ये सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, एक बार अपने हाथ से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब देखो मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को क्या बोला था, ये मॉड होगा जे आर का अपॉन जे आई का, ठीक है। तो जे आर देखो भाई हमारा ऊपर क्या है, जे आर हमारा है माइनस एच कट के वन अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे आई एच कट के वन एम बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। तो ये दोनों कट गया, बचा मेरे पास क्या, v अपॉन a का माइनस। तो क्योंकि सारी चीजें हमें मॉड में लेनी है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोफिशियंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब ट्रांसमिशन कोफिशियंट बोलता है कि जे टी अपॉन जे आई, JT अपॉन जे आई। तो JT देखो अपना क्या था, JT क्या था, JT था तुम्हारा एच कट के टू डिवाइडेड बाई एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और जे आई क्या था, एच कट के वन अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर। देखो इसमें हमें मटेरियल मिलेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे लेकिन के टू बाई के वन भी रहेगा, के टू बाई के वन भी रहेगा
सी का स्क्वायर और ए ओके राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशियंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशियंट। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांसमिशन कोफिशियंट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी आस्क्ड, ठीक है। तो अब पेज चेंज करूं, ये हो गया। अब देखो हमें अगर निकालना तो पड़ेगा बेटा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये तीनों चीज हमारी प्रॉब्लम है, ये तीनों चीज हमारे प्रॉब्लम्स है, तो इसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बचा मेरे पास क्या, बाउंड्री कंडीशंस, ए बी सी जो कि हमारे कोफिशियंट्स हैं। देखो ए बी सी निकालेंगे तभी हम अपने वेव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, साई को नॉर्मलाइज कर सकते हैं ना, मतलब साई की नॉर्मलाइज वेव इक्वेशन वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं जब हम एबीसी का निकाल लेंगे। तो ये सारे क्या है, कोफिशियंट, और किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन बी फाइंड बाय बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वेव फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू जीरो होगा और हमें x इज इक्वल टू जीरो पर भी डेरिवेटिव निकालनी है और दोनों को इक्वल करना कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कह रहा है कि साई वन अगर जीरो इज इक्वल टू साई टू जीरो पर, ये क्या है, x इज इक्वल टू जीरो है, और साथ ही साथ डी साई वन एट x इज इक्वल टू जीरो से लेके डी ऑफ x इज इक्वल टू डी साई टू x इज इक्वल टू जीरो से लेके डी ऑफ x, ये हमारा अगर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। साई वन और साई टू क्या था, साई वन एक बार फिर से मैं लिख दे रही हूँ, ए ई टू द पावर आई के वन ऑफ एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन ऑफ एक्स, और तुम्हारा साई टू क्या था, साई टू था सी ई टू द पावर आई के टू ऑफ एक्स था, ठीक है, ओके। सो हम जब ये दोनों चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा क्या आ रहा है, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है के वन कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू के टू ऑफ सी आ रहा है ना सॉल्व करने पर। तो इससे हम निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, तो किसी में भी पुट कर दो या सी को ए प्लस बी भी पुट कर सकते हो। तो इससे क्या आएगा, बी इज इक्वल टू, दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हमारे पास, बी इज इक्वल टू के वन माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू सी, ये ओके ये हो गया ना, के वन माइनस के टू, के वन प्लस के टू अपॉन सी, ओके ये क्लियर है। दूसरा हमारा क्या निकलेगा, C इज इक्वल टू टू के वन अपॉन के वन प्लस के टू, ठीक है, इंटू ए, ये हमारे बेटा कोफिशियंट्स हैं, ये हमारे क्या है, कोफिशियंट्स हैं, और अगर इन सबको हम पुट करेंगे तो मेरा जो T और R जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट्स है, ये तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हो गई, A और B C ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हो गई। नाउ आई विल से वॉट आर द रिफ्लेक्शन एंड कोफिशियंट, तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब हम इस ए और बी को हटा देंगे तो आर आ जाएगा हमारा के वन माइनस के टू का होल, ये देखो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, के वन प्लस के टू पूरा निकाल के तुम लोग को करना होता है। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तुम्हारा आ जाएगा टी, टी क्या आएगा, टू ऑफ के वन, टी आ जाएगा टू ऑफ के वन अपॉन के वन प्लस, ये दोनों बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, समझने के हिसाब से, फॉर एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने, और ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशियंट इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन,
ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें थी जब हमने जो पार्टिकल की जो एनर्जी है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट थी, ग्रेटर देन वी नॉट थी। लेकिन जैसे ही हम इस पार्ट को जीरो कर देंगे, मतलब लेस देन कर देंगे, तब सिचुएशंस देखो चेंज हो जाएगी। सिचुएशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द सिचुएशन। देखो ग्राफ तो याद ही है, आई एम चेंजिंग द पेज। ओके आई एम चेंजिंग द पेज। पेज चेंज करने पर हम लोगों ने, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ई इज लेस देन वी नॉट। सारी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ। जब ऐसा रहेगा हमारा पोटेंशियल, ऐसा रहेगा, ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल ऐसा रहेगा तो पार्टिकल तो यहाँ से डांस करते हुए आएगी, लेकिन वो इसके भीतर नहीं जा पाएगी। ठीक है, हमने उसकी एनर्जी कितनी दी है, ई दी है, और ये ऑलरेडी बी नॉट है, तो हमें क्या मिलेगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन मिलेगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन मिलेगा, भीतर का कोई ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, भीतर का कोई ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। ओके दिस इज क्लियर, राइट। यहाँ पर भी हम एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, एक्स लेस देन जीरो लिखेंगे, ये तुम्हारा जीरो हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, जब ये केस है, जब ये केस है तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्क्रोडिंगर इक्वेशन। देखो लेस देन जीरो के लिए तो वही चीजें रहेंगी, हमें क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो, हमें क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो का तो हम लोग इंसिडेंट रिफ्लेक्शन वो पीछे वाला ही ले लेंगे, पीछे वाला ही ले लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम, माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम इक्वेशन को 10 बार लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, साथ में हम ले सा सकते हैं ई माइनस वी तो कर नहीं सकते। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं बताओ मुझे, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मेरी पोटेंशियल अभी ज्यादा है मेरे ई से, मेरी पोटेंशियल अभी ज्यादा है मेरे ई से, इसलिए हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एम बाई एच कर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर इस क्वांटिटी को मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, के टू डैश का स्क्वायर बोल दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई कैन रिजॉल्व दिस व्हाट, अब ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही सेम चीजें बस बताई जाएंगी। मैं साई को क्या लिख सकती हूँ, साई को क्या लिख सकती हूँ, सी ई टू द पावर माइनस आई। अच्छा एक बात और है, एक बात और है, देखो वहां पर जो हम लोग पीछे वाले में कर रहे थे, इस बड़ा साइन को लिखने से पहले हम बता दे तुम्हें एक चीज, याद है कि नहीं, रुको, देखो डी टू प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जब इसका निकाल रहे थे सॉल्यूशन, तो ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आ रहा था, मतलब इमेजिनरी पार्ट आ रहा था। लेकिन अगर सिचुएशन में ऐसी हो तो क्या आएगा, ई टू द पावर के एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस के एक्स आएगा, याद रहे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करूं, इस इक्वेशन को कैसे बनाऊंगी मैं, इस इक्वेशन को डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई माइनस वी साई ऑफ एक्स और तुम्हारा एच कर स्क्वायर बाई टू। ठीक है,
यहाँ बहुत खींच पीच हो गया है, इसको हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर। देखो क्या था, एक तो हमें पता चला कि e जो है लेस देन v नॉट है, तो जो हमारा k2 डैश बना है वो कैसा बना है, v नॉट माइनस e से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2m by h cut square से बना है। तो हमने देखो ऊपर अभी क्या कहा, ये चीज कही है ना, ये चीज कही है, तो इसको अगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, d2 psi by dx square माइनस माइनस क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, टेल मी टेल मी। आहा, किस टाइप का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना, हमें माइनस के साइन के साथ लाना है बेटा, माइनस के साइन के साथ लाना है, ठीक है, ये करना है ना। हम इसको जब इधर लाएंगे, जब हम इस चीज को इधर लाएंगे तो वो v माइनस e हो जाएगा ना, लेकिन हमें ऐसा करना तो है नहीं, ये पॉसिबल होगा क्या, तब ये क्या हो जाएगा, दूसरी चीज हो जाएगी ना, हमें नहीं चाहिए ना, ये तो कंडीशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम लिखेंगे e माइनस v, ठीक है, e माइनस v, और यहाँ पर आ जाएगा 2m by h cut square, ये टोटल होगा psi x से मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। टेल मी ये होगा कि नहीं होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बना, d2 by dx square क्या हुआ, कहाँ इक्वल हुआ, अच्छा ये वाला चीज बेटा, ये देखो जब माइनस भीतर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस ई प्लस वी, माइनस ई प्लस वी, तो ये कंडीशन आ गई ना, माइनस ई प्लस वी, माइनस ई प्लस वी, क्योंकि हम वी ही ई जो है वी से माइनस होगा, कभी भी ई वी से माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मेरा ई तो जो ज्यादा है वही तो घटाएगा ना अपने से, हमारे पास तो v ज्यादा है। अब समझ में आ गया, तो अब क्या करेंगे, k2 dash का स्क्वायर psi of x is equal to zero हो जाएगा ना, is equal to zero हो जाएगा ना, ठीक है। सो वट फाइनली वी डू, वट फाइनली वी डू, ये तुम्हारा कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे ना, रियल सॉल्यूशंस माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए वन एक्स या के टू एक्स डैश प्लस ए बी ई टू द पावर माइनस के टू डैश ऑफ एक्स। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना, क्लियर है ना। और ये कौन से कंडीशन के लिए बना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बना है। तो अब इसमें भी वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखो, इसका सेम ही वैसा ही आएगा जो पीछे का था। तो हम लोग एक काम करते हैं, पेज चेंज करते हैं इसको, क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एक अच्छे से, e is less than v naught, ठीक है, पहला वेव इक्वेशन x greater than equal to zero, x greater than equal to zero, जिसके लिए हमारा psi 2 of x क्या बना, कुछ भी लिख दो, a b से तो लिख नहीं सकते, c लिख सकते हैं, c लिख दो, e to the power minus k2 dash of x, sorry, plus, plus d e to the power minus a2 dash of x plus or minus, दो इक्वेशन इसके तैयार हो गए। x less than 0 के लिए क्या होगा, वही सेम जो पहले हम लोग ने ड्रॉ किया, a e to the power i k1 x plus b e to the power minus i k1 of x, clear?
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बोला कोई कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट बना दो, टाइम इंडिपेंडेंट ये हो गया, टाइम डिपेंडेंट होगा तो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। अब ट्रांसमिशन कोफिशियंट है, देखो कौन सी चीज इसमें नहीं होगी, टेल मी कौन सी चीज इसमें नहीं होगी। ग्रेटर देन वाली पार्ट है, ग्रेटर देन वाला पार्ट है, ग्रेटर देन वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये पार्ट जो है इसमें जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है। देखो हमने पहले भी बताया था कि वेव फंक्शन को हर जगह पर फाइनाइट होना जरूरी है अगर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। तभी तो हम वो बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करते हैं ना, कंटिन्यूटी वाले। ठीक है, तो जब ऐसा होगा और हम कहेंगे कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, हम इंफिनिटी पर भी तो चेक करते हैं ना वेव फंक्शन को, तो e टू द पावर के टू डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेस हो जाएगा, डाइवर्जेस हो जाएगा। तो हमारे पास तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो जो ये कॉन्स्टेंट है सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, बता। क्या करेंगे हम, यहाँ पर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये जब पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो सी क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास जो साई का वेव फंक्शन बना उसमें हम ये चीज को नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इन तीनों को ही रखेंगे। ठीक है, तीनों को ही रखेंगे। तो ये पार्ट तो साई ट्रांसमिशन, क्या सेकेंड पार्ट के लिए, ई इज लेस देन वी नॉट के लिए, और ये मिलेगा हमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो क्या मिलेगा हमें, डी ई टू द पावर माइनस के टू डैश ऑफ एक्स, ये मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम इसका जे कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, बताओ। बताओ भाई, तुम्हारे लिए छोड़ दिया होमवर्क मैंने, तुम लोग क्या निकालोगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। मैंने निकालने का तरीका बता दिया है, क्या होगा निकालोगे तुम लोग। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा एक पोटेंशियल स्टेप फंक्शन था। ठीक है, अब देखो ऐसे ही होते हैं, पोटेंशियल स्टेप आते हैं, पोटेंशियल बैरियर आता है। मैं पोटेंशियल बैरियर को समझा दे रही हूँ, ओके। आई एम चेंजिंग द न्यू पेज। देखो पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर देखो किस तरह का होता है। हमारे पास एक बैरियर है, अगर ये मेरा पोटेंशियल की एक्सिस हो गई तो पोटेंशियल बैरियर कैसे रहेगा, यहाँ तक तो पार्टिकल जीरो फील करेगा, फिर यहाँ पर स्टेप चढ़ेगा, फिर कुछ डिस्टेंस जाएगा और फिर उसको नीचे उतर के जीरो पोटेंशियल फील करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। और सोचो यहाँ पर कोई पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल क्या है, वी नॉट है। तो इसको हम लोग किस टाइप का प्रॉब्लम कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल का अगर पोटेंशियल फंक्शन बनाने की कोशिश करे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार वो जीरो फील करेगा, कब जीरो फील करेगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा। एक बार वो पोटेंशियल वी नॉट फेस करेगा, जब वो, अगर मैंने बोल दिया कि इसकी विड्थ जो है जीरो से ए तक की है, तो पोटेंशियल वो फेस करेगा, कब फेस करेगा, जब वो नाचा नाची करेगा कहाँ पर, ए तक पर। ठीक है, लेकिन फिर अगेन वो जीरो पोटेंशियल फील करेगा, कब फील करेगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए। सॉरी ये इक्वल टू कभी मत डालना, क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ग्रेटर देन
ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एक पोटेंशियल बैरियर बोलो या एक पोटेंशियल वेल के भीतर बोलो, इस तरह के प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी कभी ये तुम्हारे स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया जाता है। अभी तुम लोग जब अगर कभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर पढ़ोगे तो टीचर तुम्हें डिस्कस करवाएंगे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये होता है स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में इसका यूज। ठीक है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में यूज होता है। अब देखो, अगर इस पार्टी अब यहाँ पर अपना पार्टिकल आया तो पार्टिकल नाचते नाचते यहाँ पर आएगा, बैरियर फेस करेगा, फिर पार्टिकल नाचते नाचते निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो मेरा पोटेंशियल बैरियर क्या है, मेरा पोटेंशियल बैरियर इस टाइप का है। ठीक है, तो हमारे पास पार्टिकल के क्या क्या मिलेंगे बेटा, हमें पार्टिकल का इंसिडेंट मिलेगा, पार्टिकल का रिफ्लेक्शन मिलेगा, फिर इसके भीतर पार्टिकल जाएगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन फिर वो बाहर आ रहा है तो पार्टिकल क्या करेगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन बोली है यहाँ पर, मैंने पार्टिकल को जो एनर्जी दी है वो पोटेंशियल बैरियर्स की पोटेंशियल से ज्यादा दी है। यहाँ पर तो वी नॉट है लेकिन पार्टिकल की एनर्जी क्या है, ई है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, ई है। ठीक है, अगर मैं दूसरा केस बोलूं कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस देन वी नॉट है, यहाँ पर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट है, तो क्या होगा, ऐसा ये पोटेंशियल बैरियर मेरा बना, ये मेरा पोटेंशियल बैरियर बना ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, जीरो से ए तक की है, ये जीरो से ए तक की है। ठीक है, अब पार्टिकल को जो एनर्जी है वो मैंने क्या दिया, मैंने बोला पार्टिकल को मैं ये एनर्जी दूंगी, बैरियर यहाँ पर है ई, मैं यहाँ पर दूंगी जो कि लेस देन दूंगी, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल करेगा क्या, यहाँ पर आएगा, इंसिडेंट होगा, पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर दोनों ही पार्टिकल के पास जो रियल क्वांटिटीज मिलेंगी यहाँ पर, यहाँ पर क्या मिलेगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन की रियल क्वांटिटीज मिलेंगी, आएगा जाएगा और यहाँ पर वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, रियल वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो ये मैंने जो ग्राफ बनाया ये पोटेंशियल ग्राफ थी, ये क्या थी, पोटेंशियल ग्राफ। अगर तुम्हें इसी को मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो अगर पोटेंशियल बैरियर के, तो मेरा पोटेंशियल क्या है, इतना तक है ना, इतना तक है, ठीक है, जीरो से ए तक। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स ले रहे हैं, तो पार्टिकल का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीलेट करते करते डांस करते करते आएगा, फिर भीतर से थोड़ी सी एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे गिरेगी, फिर पार्टिकल कैसे करके, इतना इसके एम्पलीट्यूड इनिशियल थी पर अभी इतनी होगी नहीं, करके वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना? और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए तो केस ही डिफरेंट है, यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, ये सोचो तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर है, हमने एनर्जी क्या दी है, लो एनर्जी दी है। ठीक है, ये तुम्हारा साई ऑफ एक्स ऑफ ए स्क्वायर रहा, ये एक्स रहा, जीरो टू ए रहा, ये तुम्हारा ई इज लेस देन वी नॉट रहा, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट रहा। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा भाई, ओके पार्टिकल मैं डांस कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं डांस करते करते भीतर जैसे ही आऊंगा बस खत्म हो जाऊंगा, भीतर जैसे ही आऊंगा खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, तो पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर थी ई, अभी पार्टिकल की एनर्जी जो है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं बताता, तो क्लियर है ना? अब इसमें मैंने तुम्हें ए भी बताया कि पार्टिकल कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसमें भी बताया जाएगा नहीं जाएगा ट्रांसमिशन होगा, तो बस जो पहला प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा, वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, वही सारे वेव फंक्शंस, वही सेम टू सेम सारी चीजें होंगी। क्लियर है ना, क्लियर है ना? हाँ ओके, इनफाइनाइट पोटेंशियल भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। अब मैं